Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऑफिशियल ट्रेलर, और इसमें है धर्मेंद्र, जया, शबाना, रणवीर, आलिया एंड करण। और ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हाल ही में हमें इस मूवी का टीजर देखा हुआ है, ग्लिम्स देखा हुआ है, और एक सॉन्ग भी आया है इस मूवी का। मतलब इतना क्या बोल सकते हैं, बॉलीवुड स्टाइल वाला, जो पहले बॉलीवुड स्टाइल वाले मूवीज होते थे लाइक लव स्टोरी वाले, तो वैसा लग रहा था ये मुझे तो। और वो सॉन्ग भी उसमें से, आलिया द वे गॉर्जियस शी वॉज लुकिंग, आई है मेरे तो नजर ही नहीं हट रही थी। मतलब बींग अ मदर ऑल्सो, हाउ शी मेंटेन्स हरसेल्फ इतना ब्यूटीफुल है, मुझे तो समझ भी नहीं आता। शी वाज लुकिंग सो गॉर्जियस इन दैट सॉन्ग। और आज हम ये रॉकी और रानी की प्रेम कथा के मूवी के ट्रेलर लेके, सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रेलर इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। चल आज तो कुछ पूछ के देख, गूगल के ची थड़े नहीं फाड़ दिए ना, मेरा नाम ही रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट में, बट ऑबियो ईस्ट में है। ट्रिक क्वेश्चन था, घोड़ी पे सवार आ रहा है रानी का राजा। थोड़े और सी द प्रॉब्लम इज, हमारी फैमिली इज बहुत अलग है। चाहे अपना हाथ में हो, बैक सीट ड्राइविंग करता है। फिर क्या चाहती क्या है, मैं आके रह जाऊं तेरी फैमिली के साथ, तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी? तू रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहे, मैं ओह माय गॉड जीनियस। इट्स अ स्विच, 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर, अगर ये सर्वाइव कर गए ना तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। स्विच स्विच श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। इन दोनों की प्रेम कहानी के औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी खेला हो गया। लॉन्ड्री बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो ना, बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। कल तो आप रानी मम्मी गलत समझ लिया। ठीक है, 28 जुलाई 2023 को ये रिलीज हो रहा है इन थिएटर्स नियर यू, मतलब अभी बस 25 दिन में इट विल बी इन थिएटर्स नियर यू। और अगर मैं बात करने जाऊँ इस मूवी के बारे में, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत 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 ज़्यादा ड्रामा और बहुत ज़्यादा कहानी है इसमें। मतलब 3 सेकेंड्स का पूरा ट्रेलर दिखाया गया है हमें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक स्टार्टिंग टू एंडिंग मूवी कैसे होने वाला है ये सब कुछ हमें ये ट्रेलर में ही पता लग गया है।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद, मतलब कुछ अंदर कुछ और भी हो, लेकिन ये जैसे नॉर्मल बॉलीवुड वाले मूवीज होते हैं जब दो लोग प्यार करते हैं और प्यार में गिरने के बाद लाइक उनकी फैमिलीज उनको लाइक अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग शादी कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर से उन दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, तो उसके बाद फिर से वो बिछड़ जाते हैं और फिर से हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे मतलब एक यूजुअल स्टोरी ऐसा लग रहा है, जैसे लाइक यूजुअल ऐसे लव स्टोरीज होते हैं ना, तो ये वैसा लग रहा है। तो क्या रॉकी और रानी की ये प्रेम कथा कुछ अलग होने वाली है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कियारा आडवाणी और अभी कार्तिक आर्यन का ये जो मूवी आया था हाल ही में ही क्या प्रेम की कथा या ऐसा ही कुछ नाम था ना मूवी का, तो बहुत सारे रिव्यूज मैंने सुने हैं कि मूवी वन टाइम वॉच तो है, लेकिन जो ट्रेलर में मूवी को दिखाया गया है वैसे जाकर अगर मूवी हम अगर देखेंगे इन द थिएटर तो वो बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा लाइक मैसेज गिविंग है, थोड़ा एक सोशल मुद्दा उठाया है उसमें। तो ऐसा ना हो कि ये मूवी भी शायद वैसा ही कुछ हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे ट्रेलर में तो यूजुअल सा लग रहा है, शायद ट्रेलर देख के लोग अट्रैक्ट ना हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक यूजुअल लग रहा है, बट अगर थिएटर में जाके हमको पता चलेगा कि क्या धमाका फूटने वाला है है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो आई लव द सॉन्ग्स, क्योंकि सॉन्ग्स में इतना वो जो रॉयल लुक्स और वो रोमांटिक थिंग्स यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो बीच में कॉमेडी वाला थिंग भी इट वॉज लाइक गुड वन, ये मैं बोल सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद वाला जो भी सब कुछ होने वाला है वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है, बट देखेंगे हम अभी 28 जुलाई इन थिएटर्स नहीं होगी क्या होगा। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।